हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 5, पीछे देख सकते हैं आप, सवेरा अपना हो चुका है नया। तो सुबह दोस्तों अब 5:30 बज रहे हैं। तो बस अपना जो है उठने के बाद भाई अपने आर्ट वर्क वगैरह रखे हुए हैं, क्लासेस का अपना दोपहर का प्लान है। तो यानी कि अपना सुबह अपनी है, अपने लिए मस्त जीते हैं और चलते हैं दोस्तों रनिंग के लिए। फिर से अपना रूटीन थोड़ा सा मॉर्निंग का है आजकल, मतलब कुछ दिनों से तो सही चल रहा है, अच्छा है। आप लोगों की लाइफ में भाई सीधी सी बात है, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़र्क पड़ता है उससे आपके मेंटल एबिलिटी पे, राइट। तो वही है दोस्तों, सुबह हो चुकी है तो अपना चलते हैं रनिंग पे। पहले एक बार मौसम का नज़ारा तो दिखाते हैं, है ना, फिर उसके बाद आपको रनिंग पे लेके चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सुबह का आसमान। सच में दोस्तों बहुत पीस मिलता है, दिमाग को मिलती है शांति सुबह उठ के। अगर आप सिर्फ आसमान देख लेना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके मेंटल पीस पे। तो दोस्तों मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सुबह जल्दी उठा करें और बढ़िया तरीके से आसमान को निहारें। तो ये है दोस्तों नज़ारा। आज तो बादल वगैरह कुछ भी नहीं है, पर ठीक है यार, अपना जो है जैसा भी आसमान है भाई, हर दिन नया सवेरा, हर दिन आपको नया आसमान देखने को मिलता है। ये बात तो दोस्तों सच है, जैसे अभी जैसा आसमान है पता नहीं वैसा कब मिलेगा आपको देखने को, है ना। इवन तो मैं भी यही नोट करता हूँ कि हर दिन आपको बादल आसमान मतलब भाई बढ़िया तरीके से फील देता है। आर्टिस्ट तो भाई अपना भगवान है, हर दिन का अपना नई चीज़ की क्रिएटिविटी उनके हाथ में है, राइट। तो चलिए दोस्तों फिर रनिंग पे चलते हैं और आप लोगों से सीधा वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों जो है उसके बाद निकल पड़े हम अपनी जो है स्कूटी लेके पार्क के लिए। और ये अपने जो है बीच में रास्ते के नज़ारे, जिसमें कि कच्चे रास्ते दोस्तों मैंने आज अपनी शुरुआत की है आप लोगों को दिखाने की। फिर उसके बाद आगे अपने पक्के रास्ते पे ये साइड में अपनी SPG है और बढ़िया तरीके से रोड देखिए कितना मस्त लगता है सुबह सुबह। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हल्ला नहीं, ऊपर आसमान में कुछ बादल। और ये अपना पार्क में एंट्री हो चुकी है दोस्तों हमारी। और पार्क में एंट्री हो जाने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं। ये नज़ारा पार्क का बहुत अच्छा लगता है यार। ये देखना ये दो पेड़ कितने बढ़िया आर्टिस्टिक तरीके से मैंने कहा यार लगे हुए थे, मैंने कहा आपको चलो दिखाया जाए। और फिर ये जो अपना ग्रीनरी है, ये जो ट्रैक है, ये अपना बढ़िया दोस्तों चल रहा है। फिर अपना रनिंग करने के बाद आप देखिए मुझे आ गया पसीना, फिर मैं चल पड़ा दोस्तों वॉकिंग पे। वॉकिंग पे कहाँ, थोड़ा रोड की तरफ निकल पड़ा। तो ये देखिए ये जो पर्सपेक्टिव, ये जो ग्रीनरी सुबह सुबह आपको देखने को मिलती है ना, सच में इन्हें देखने के बाद तो सच में आपका जो मूड है वो बहुत बढ़िया हो ही जाता है। और फिर हम नोट करते हैं आसपास की चीज़ों को। ये देखिए सूरज भी अपनी जो है बढ़िया तरीके से रोशनी बिखेरते हुए, और हम जो है साथ में अपना रोड के ऊपर चलते हुए बढ़िया तरीके से नापते हुए भाई द्वारका को। ये देखिए क्या बात है, YWCA आई थिंक, नहीं, ये अपना है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। और ये उसके अपोजिट में जो है मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी कोई नई खुली है, ये दिल्ली की है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। तो ये है दोस्तों अंदर, देखिए क्या बात है, वॉल पेंट भी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। और ये अपना सूरज देखिए भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से। 8 बजे तो मतलब एकदम ऐसी धूप होनी शुरू हो जाती है और मुझे ये लग रहा था डर, कुत्तों की गैंग देखो बेचारे पाल तो कोई लेकर आता ना उसके उत्तर वैसे देखते तो हैं। आ चुके हैं दोस्तों अपने कमरे में, अपने घर पे। अब अपना जो है रनिंग करने के बाद दोस्तों अपना नहा धो के फ्रेश होके करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर दोस्तों बैठते हैं अपनी हैंडराइटिंग पे सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना चारकोल, चारकोल का थोड़ा सा देखते हैं ना बना के हैं, जो हाथों पर डिटेलिंग करनी है वो करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हैंडराइटिंग करने में बैठ गए। आज जो है यूनिबॉल पेन हमने यूज़ किया था, यूनिबॉल का यार ये बहुत ही बढ़िया पेन है, आई लाइन मतलब मज़ा आ गया था। पायलट और V5 से काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे ये पेन लगा ग्रिपिंग और राइटिंग में भी। और ये है दोस्तों अपने आर्टवर्क चारकोल के, जो कि आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेट जो कि हमने क्लास में लिया था, जिसकी हमने क्लास ली थी ऑनलाइन। और ये था हमारा लैंडस्केप, आप देख सकते हैं पेपर स्टम्प और चारकोल पाउडर की हेल्प से ही हमने दोस्तों इसको बनाया था, फिक्सेटिव अब लगा दिया है। ये स्टूडियो के आर्टवर्क्स हैं, स्टूडियो में ये देखिए एक स्टूडेंट का तो चारकोल में ये चल रहा है और दूसरे का चल रहा है अपना प्रैक्टिसेस इस तरीके से बेसिक स्केचिंग की। और इस तरीके से दोस्तों बेसिक मतलब अपना काम कर लेने के बाद फिर मैं दोस्तों आज आपका जो बताने वाला हूँ वो ये कि स्टूडियो मैंने जो है अब यहाँ से बदलना पड़ रहा है किसी रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से अब मैंने सारी ड्राइंग्स यहाँ से उतार ली हैं। और ड्राइंग उतार लेने के बाद फिर अपना जो है वापस वही घर पे आप अपने सारी ड्राइंग्स को लगाएंगे बढ़िया तरीके से और एक नई शुरुआत अपने स्टूडियो की फिर से जो है करेंगे। और फिर दोस्तों वही वाली बात है, देखिए डेस्टिनी में शायद कुछ और लिखा हो, कुछ तरीके के स्पेस चेंज होना, यहाँ से वहाँ जाना, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, चलती रहती हैं। तो इस स्पेस के साथ हमारा जो साथ था वो यहीं तक है। और ये देखिए सारी चेयर और टेबल और अपनी जो है भाई ये सब चीज़ें फोल्ड कर लेने के बाद बस वेट कर रहा था मैंने अपने छोटे भाई का कि मैंने कहा आएगा, उसके बाद चलते हैं तो इसी स्पेस को करते हैं
टाटा टाटा। तो दोस्तों आ चुके हैं फाइनली अपने घर पे, पीछे हो रही है रात, आप देख सकते हैं ये अपनी पेंटिंग्स फाइनली घर पे आ चुकी हैं। ये पीछे आप माउंटेन वाली पेंटिंग देखिए, नीचे अपने जो है अपने महादेव, और अभी ये पीछे की वॉल आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हो चुकी है। वही है दोस्तों, एक जगह देखिए आपका सफ़र ख़त्म होता है तो कोई बात नहीं, मायूस होने की ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है डेस्टिनी में कुछ और चीज़ लिखी हो, हमें उस तरीके से फिर अपने आप को जो है ढाल लेना चाहिए, राइट। क्योंकि भाई देखिए वो ये जिस कश्ती में सवार थे किनारा नहीं मिला तो रास्ता बदल दीजिए, किनारा जो है ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसी बात पे दोस्तों बस अपना वही था मेरा यार, अपना रूम में भी ये लगी हुई पेंटिंग्स बढ़िया लग रही है अपनी ड्राइंग्स, और ये प्रिंट लग रहा है, बल्कि ये तो ओरिजिनल आर्टवर्क है भी नहीं, ये मैंने प्रिंट लगाया और ये एक नंबर की फीलिंग दे रहा है यहाँ पे। तो वही था दोस्तों, अब चलिए अपना नया सफ़र शुरू करते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, नई चीज़ों के साथ, नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।